साउथ फिल्म इंडस्ट्री दुनिया भर में नाम कमा रही है। आज ही फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया है, तो वहीं दूसरी ओर साउथ में अगले सुपरस्टार की जंग लड़ी जा रही है। आलम तो यह है कि साउथ में बुधवार को रिलीज हुई दो बड़ी फिल्मों के लीड एक्टर्स के फैंस आमने सामने आ गए। हद तो तब हो गई जब समर्थक अपने फेवरेट एक्टर की सपोर्ट में दूसरे फिल्म के पोस्टर्स फाड़ने लगे, जिसका वीडियो अब सामने आया है। दरअसल कई सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब थलपति विजय और अजित कुमार की फिल्म एक ही दिन रिलीज हुई हो। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंच रहे हैं, साथ ही जश्न भी मना रहे हैं। हालांकि इसी बीच दोनों स्टार्स के फैंस के बीच अगले सुपरस्टार को लेकर जंग छिड़ी हुई है। थलपति विजय और अजित कुमार के फैंस इतने उत्सुक है कि अपने फेवरेट एक्टर्स के समर्थन में सिनेमा घरों में लगे पोस्टर्स तक फाड़ डाले हैं। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने अजित कुमार की थुनिवु और अभिनेता विजय की वरिसु के सुबह 4 बजे और 5 बजे के शो कैंसिल कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 जनवरी से 16 जनवरी तक के शो कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। फिल्मों पर गौर करें तो अजित कुमार की थुनिवु का निर्देशन एच विनोद ने किया है। फिल्म एक्शन से लबरेज है। फिल्म में अजित कुमार का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। वहीं थलपति विजय की वरिसु एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। बहरहाल दोनों एक्टर्स के फैंस के बीच छिड़ी ये जंग कब खत्म होती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।